हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे आज भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। 4% से भी ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं 2132 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 5 डेज के अंदर अंदर काफी अच्छी रैली देखने को मिला है। खास करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 14 जून को ये स्टॉक 2000 पे ट्रेड किया करता था, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है जो बेसिकली 2300-2400 रुपया तक जाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2 दिनों से कंटिन्यू डिफेंस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या रीजन है कि स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉजिटिव खबर होने के बावजूद भी यहाँ पे एक तरह से गिरावट है यहाँ पे। और तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 महीने में 29% का रिटर्न भी दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 227% का रिटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे बीते 5 ईयर्स की बात करें तो 1027% का, और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 627% का। तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड तो एक तरह से महा मल्टी वेगर स्टॉक बना है और रिटर्न भी बहुत तगड़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेन रीजन, यहाँ पे जो गिरावट है, यहाँ पे एक तरह से मार्केट करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मार्केट में करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मार्केट में अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे भी ही है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स में देखेगा तो आज की डेट में 0.49% की करीब करीब गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो फ्यूचर कैसा हो सकता है आने वाले समय में, यहाँ पे क्या कंपनी का ग्रोथ कितना लेवल हो सकता है, किस लेवल का ग्रोथ हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे उससे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, और यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलेगा, जिससे आने वाला अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1972 में स्टेब्लिश हुई बेसिकली ये कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो यहाँ पे लीडिंग प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड वेसल से रिलेटेड काम करती है, रिपेयर्स करती है, रिफिट्स करती है ऑल टाइप्स ऑफ वेसल इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन, लाइफ एक्सटेंशन ऑफ द शिप्स, जो एक तरह से समुद्र में जो शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो यहाँ पे एक तरह से मेंटेनेंस भी करती है, डेवलप भी करती है और उसको अपग्रेड भी करती है। लार्जेस्ट शिप्स एक तरह से मेकर और रिपेयर कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखें, इट हैज़ एक्सपोर्टेड सम 45 शिप्स टू वेरियस क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, यानी मतलब बाहर के देशों को भी इन्होंने सेल किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों, यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड की अगर हम आगे बात करें तो बेसिकली शिप बिल्डिंग का काम करती है, तो पता ही है, जो डिफेंस, कॉमर्शियल, ऑफशोर्स, शिप रिपेयर, मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी एंड एडवांस सॉल्यूशन, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलता है। डिलीवर्ड अगर आप देखो तो 21 लार्ज वेसल्स देखने को मिलता है, 35 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स, 93 स्मॉल एंड मीडियम वेसल, 31 डिफेंस वेसल, FY23 के अंदर यहाँ तक देखने को मिला है इतना चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी की, जो बेसिकली 2 सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है, जिसमें शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग का काम होता है। तो यहाँ पे अगर 2024 में 9 मंथ एंडेड में देखें तो 72% इनकी जो शिप बिल्डिंग से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिसमें आप देखें मैन्युफैक्चर टैंकर्स, प्रोडक्ट कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, पैसेंजर वेसल, एयर डिफेंस शिप्स, ये सब सारी चीज़ें। अगर शिप रिपेयरिंग की बात करें तो 28% इसे FY24 के अंदर अगर हम देखें 9 मंथ एंडेड पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 28% रेवेन्यू करती है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आगे हम बात करें इस कंपनी की, तो एक तरह से कंपनी की जो आगे कैपेसिटी एक्सपेंड करने का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। CSL प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट शिप्स आप देख सकते हैं, जो 1.1 लाख DWT वेल रिपेयर टू शिप्स अप टू 1.25 लाख DWT लोकेटेड इन कोची, केरला, अपार्ट फ्रॉम द शिप रिपेयर फैसिलिटी इन मुंबई, कोलकाता, अंडमान निकोबार, ये सब सारे जगह, हावड़ा के अंदर देखने, उदपी के अंदर देखने को मिलता है, उदपी के अंदर देखने को मिलता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी प्लान है यहाँ पे कंपनी का, आप जो देख सकते हैं जनवरी 2024 में यहाँ पे एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड इनकॉग्रेटेड इन द, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2024। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे काम की, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटीज
और यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यू ड्राइक डॉक कॉस्टिंग की अगर बात करें, ऑर्डर बुक भी इनके पास काफी अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक Q3 FY24 तक 21,500 करोड़ का देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे एक तरह से देखें तो मतलब कि अभी के टाइम में इनका जो मार्केट कैप है फिलहाल अगर इस कंपनी की अगर हम देखें तो 56,299 करोड़ का है। तो यहाँ पे इनके पास पर्याप्त एक तरह से ऑर्डर है जो करीब करीब 2 साल तक के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर मिल चुका है तो अब यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू अभी ऑर्डर और भी मिलना बाकी है और यहाँ पे कंटिन्यू मिलते रहेगा एक तरह से अभी के टाइम पे। फिलहाल कुछ टाइम के अगर जब तक की हम बात करें, एनडीए गवर्नमेंट है तब तक की बात करें तो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा उसके बाद स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन बीते 5 ईयर्स में जिस तरह से ग्रो किया है कंपनी, होपफुली कि आगे 5 ईयर्स में इसी तरीके से ग्रो भी करेगा अभी। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे बुक वैल्यू 191 रुपया का, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी की ईपीएस 30 रुपया 90 पैसा है, तो यहाँ पे ईपीएस थोड़ा कम है कंपनी। अभी शेयर थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ पे हर एक गिरावट में यहाँ पे एक खरीदारी करने का मौका बनता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एचएएल हो, कोचिन शिपयार्ड हो, मंजगांव डॉक्स हो, तो ये सब सारे में एक तरह से एक मौका है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम बात करें तो 72.90% की होल्डिंग प्रमोटर खुद रखे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है। और इंडस्ट्री के पी के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा अभी आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पे 4,394 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो यहाँ पे रिजर्व बहुत अच्छा है यहाँ पे रखी है कंपनी, इनके पास प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के पेटोस्की स्कूल की तो 6 की रेटिंग है, ग्राम नंबर जो प्राइस है यहाँ पे 364 रुपया है। तो इस प्राइस से यहाँ पे एक तरह से महंगा देखने को मिल रहा है कि यह स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रखा है ऑलरेडी, लेकिन FIS एंड DIS की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है इसके अंदर। तो चलते हैं देखते हैं इससे सबसे पहले हिस्सेदारी में यहाँ पे FIS अभी के टाइम पे इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FIS है जो रिसेंटली यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर खास करके अगर हम देखें तो यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। DIS है जो यहाँ पे भी ये भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। पब्लिक है जो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है और बड़े इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें प्रमोटर की तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए किसी भी प्रकार की सोचने वाली बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए एकदम बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे ऐसे स्टॉक में बने रहनी चाहिए। दोस्तों अगर आप देखोगे इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है 132 करोड़ का इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिजर्व है कंपनी का जो बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे पड़ा हुआ 489 करोड़ का यहाँ पे मात्र बोरोइंग है। तो ऑलमोस्ट डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है, डेप्ट बहुत कम है कंपनी का। यहाँ पे CWIP में वर्क कंपनी कंटिन्यू कर ही रही है, यहाँ पे बिजनेस को अपने बढ़ा रही है कंटिन्यू, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू देखने को मिलता है कंपनी का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च क्वार्टर में बहुत बड़ा धमाका कंपनी ने किया है, जो एक बड़ा यहाँ पे अपडेट देखने को 577 करोड़ से सीधा सेल्स से इनका बढ़ के हैं जो 1,225 करोड़ हो गया है। और यहाँ पे मार्जिन अगर आप देखें जो पिछले साल -66 करोड़ देखने को मिला था, इस बार 286 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट, यहाँ पे 11% माइनस में था जो इस बार 23% पॉजिटिव में चला गया है। तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे धमाका कंपनी ने किया है Q4 क्वार्टर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो एक तरह से अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर की खास करके तो 47 करोड़ से सीधा इनका प्रॉफिट जंप होकर 265 करोड़ हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का ग्रो बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड्स जंप दिया है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना, हर एक गिरावट में यहाँ पे एक तरह से अधिक यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे इस बात को आप रिकमेंडेशन पर्पज से मत लीजिएगा, यहाँ पे आप सिर्फ अपना एनालिसिस अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स के कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप स्टॉक पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 200 रुपीज का रिवॉर्ड्स पा सकते हैं आप। दोस्तों तो 200 का रिवॉर्ड्स आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे आके मेरे को पिंग करना होगा और यहाँ पे मैं आपको 200 रुपीज का रिवॉर्ड्स पेटीएम UPI किसी भी तरीके से जो जिस तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।